वहां से आने का पहले का सन्नाटा। अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करके फारिग हुआ हूँ और आपको थंबनेल देख के तो पता लग ही गया होगा कि आज मेरे को कोरोना वैक्सीन लगने वाली है। तो चलो देखते हैं उसके इफ़ेक्ट्स क्या रहने वाले हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहने वाले हैं, मेरे बॉडी चेंजेस क्या आते हैं उसकी वजह से। काफ़ी लोगों को सुना है कि उससे फीवर आ जाता है, तो आज मैं भी लगा रहा हूँ, मेरे को ऑफिस वाले लगा रहे हैं। चलो देखते हैं क्या क्या रहता है। तो अभी जस्ट मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूँ ऑफिस के लिए, बस थोड़ी देर में निकलना है। तो अब आपसे मिलते हैं ऑफिस में। तूफान से आने का पहले का सन्नाटा आप देख सकते हैं। डर भी बहुत लग रहा है क्योंकि मैंने पहले इससे पहले इंजेक्शन नहीं लगवाए हैं, वैक्सीन का तो फर्स्ट टाइम है। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अपने ऑफिस में वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि ऑफिस में कैमरा अलाउड नहीं है। तो मैं जस्ट अभी अपने ऑफिस से पहुँचा हूँ। वैक्सीन मुझे करीब 12:30 लगी और उसके बाद कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, सिर भारी भारी नहीं है। और ये वाली बाजू जहाँ पे वैक्सीनेशन हुई है, जिस वाली बाजू में, ये इसमें थोड़ा सा हैवी लग रही है बाजू। बाकी अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। और अभी खाना ही बनाने को, चलो खाना बनाते हैं, खाने की तैयारी शुरू करते हैं। शायद डैडी दिन में आए थे तो उन्होंने दाल बना के रखी है, तो चावल तो नहीं है, चपाती बनाने का मेरा मन नहीं है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि चलो आज चावल बना देते हैं, डैडी दाल तो उन्होंने बनाई हुई है। लो भाई चावल तो लग गए, फिर अपा चलते हैं अब रेस्ट करने, थोड़ा रेस्ट करते हैं। सिर में भी थोड़ी थोड़ी सी मतलब भारीपन सा है, दर्द तो नहीं है। उसके बाद में करेंगे डिनर। गुड आफ्टरनून गाइस, अभी दिन के बज रहे हैं, 2:00। मॉर्निंग में मैं अपने ऑफिस गया था, लेकिन ऑफिस में थोड़ी सी मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं रही क्योंकि वैक्सीन लगाई है, तो इस वाली बाजू में तो पूरा दर्द हो रहा है, बहुत भारी हो चुकी है वाली बाजू। सुबह वैसे मेरा टेम्परेचर भी सही था और मैं फील भी अच्छा कर रहा था, लेकिन ऑफिस में थोड़ा सा काम की वजह से और इधर उधर ज़्यादा चलने की वजह से फिर बॉडी थोड़ा सा लो फील कर रही थी और सिर में भी पेन हो रहा था। तो फिर मैं अभी हाफ डे लेके आ गया हूँ, अभी जस्ट खाना खुना खा के फारिग हुआ हूँ, मेडिसिन अभी लूँगा थोड़ी देर में और फिर रेस्ट करता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि क्या फील कर रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों ऑफिस में कैमरा अलाउड नहीं है, जिस वजह से ऑफिस में मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो जितनी भी वीडियो है वो मैं रूम पे आके ही बनाता हूँ। और जो बीच का ट्रैवलिंग है उसकी वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि ये मेरे पास गोप्रो तो है नहीं, अकेला ट्रैवल करता हूँ मैं, अगर कोई साथ हो तो वो बना सकता है, लेकिन कोई साथ नहीं होता है। 6:00 हैं और 3 घंटे की नींद लेने के बाद अब कुछ थोड़ा सही फील कर रहा हूँ, फ्रेश फील कर रहा हूँ। अब भूख भी लग रही है तो सोचा चलो डिनर बना देते हैं कुछ। तो सुबह की हमने राजमा भिगोई हुई थी तो उसी को ही मैंने गैस पे चढ़ा लिया। सब ज़्यादा दुखी बर्तनों में किया हुआ है, जब देखो बर्तन धोने को है ही है। दाल बनके रेडी हो गई है और तड़का भी फिलहाल लग ही गया है। गर्मियों में किचन में खड़े रहना दोस्तों बहुत मुश्किल काम है, और ऊपर से कोरोना की वजह से पहले ही थोड़ी सी पेन हो रही है सिर में, और फुल बॉडी भी कुछ ठीक नहीं है।
दोस्तों, जिस वाली बाजू में वैक्सीन लगी है उस वाली बाजू के बहुत बुरे हाल है। ये तो बाजू उठाई भी नहीं जा रही, इसमें इतना दर्द हो रहा है। ये अभी तक भारी चल रही है, इससे ना कुछ काम होता है। ऐसा लगता है ये बाजू मतलब शरीर में है ही नहीं, इसमें बहुत भारी दर्द हो रही है। बाकी जो लोग बोलते थे कि वैक्सीन के कारण फीवर आता है, या कुछ लोग बोलते थे उल्टियाँ आती है या तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तो ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ। पर लेकिन जहाँ इंजेक्शन लगाया वहाँ बहुत दर्द हो रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। 2 दिन हो गए आज इंजेक्शन लगाए हुए। आज बहुत दिनों बाद वॉक करने निकला, खाना भी खा के जस्ट अभी फारिग हुआ, तो कुछ ज़्यादा ही खाना हो गया था, तो सोचा चलो थोड़ी देर बाहर भी निकला जाए, पार्क वर्क घूम लेते हैं थोड़ा कई दिनों बाद। तो दोस्तों, बज चुके हैं रात के 9 और अभी टाइम हो गया है सोने का। और जिनको भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है वो जल्दी से जल्दी अपनी फर्स्ट डोज कोरोना वैक्सीन की लगा लें। और रही दर्द की बात, तो इस बाजू में दर्द तो अभी भी है ही है, पर लेकिन ये सब कुछ हमारी सेफ्टी के लिए ही है। उतनी ज़्यादा पेन नहीं होती है, पर लेकिन फिर भी थोड़ी सी दर्द तो हमारे को सहनी पड़ती है, क्योंकि ये सब हमारी सेफ्टी के लिए। तो अब आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, और अगले जो व्लॉग आने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि मैं कुछ दिनों में शिमला जाने वाला हूँ अपने होम टाउन। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप इंस्टाग्राम में भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए आपको बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।